Decoding the secret to manifest your dream life. How to attract anything very fast. आप अपना मनचाहा जीवन कैसे जी सकते हो, कैसे हर वो चीज अट्रैक्ट कर सकते हो, इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि सीक्रेट मूवी की ऑथर उन्होंने खुद इसको दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है तो वो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो वो ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में जानते होंगे। फिर भी मैं आपको इसको बहुत सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे आप उस चीज को यूज कर सकते हो और जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक सीक्रेट है। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया और इस पर विश्वास करके इसको यूज करना शुरू किया तो माय डियर फ्रेंड, ये जो सेंटेंस, अगला सेंटेंस मैं आपको बोलने वाली हूँ, ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। जबकि इतने सालों से मैं सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसके बावजूद भी जैसे ही ये सेंटेंस मैंने सुना, दो मिनट के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड ये रोंडा बर्न ने एक इंटरव्यू में बोला, लिविस हॉब्स, मुझे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, तो मैं उनका नाम और लिंक दे दूंगी। और अगर आप ये भी डालोगे हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो ये वीडियो पॉपअप होगा यूट्यूब पे। और सक्सेस स्कूल उनकी बुक भी है, बहुत सारी बुक्स भी है, अमेजिंग पॉडकास्ट है, मिलियन से भी ऊपर सब्सक्राइबर है उनके, और उनकी ये डेढ़ घंटे की पॉडकास्ट है और 17 मिनट्स के अराउंड ये क्लिपिंग है। हालांकि इसको मैं शेयर करने वाली थी अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में ये क्लिपिंग, पर वो उसमें नीचे ऑप्शन ही नहीं था कि क्लिप आप काट के उसको शेयर कर सकते हो, नहीं तो ये आप खुद उसको सुन सकते थे, अमेजिंग थी। और ये सेंटेंस जो मैं अब आपके साथ बोलने वाली हूँ, ये सच में मतलब आपको जीवन के प्रति इतना पॉजिटिव बनाने वाला है, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं, मैक्सिमम लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि हमको इंटरनल पावर का यूज करना सिखाया ही नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में हम परेशान होते रहते हैं और उसकी वजह से निगेटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वैसे ही हमारा बिलीफ बन जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को ये एक बहुत बड़ा संबल देने वाला ये इंसिडेंस। तो रोंडा बर्न को जब उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपका सीक्रेट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करते हो आप या कैसे ये काम करता है। तो रोंडा बर्न ने बताया कि मेरे खुद के कुछ एक्सपीरियंस हैं, वो तो मैं शेयर करूंगी, बट मुझे एक चीज़ याद आ रही है, ये मेरी लाइफ का, उनकी भी लाइफ का ये अमेजिंग मोमेंट था जब उन मास्टर का, उन्होंने नाम नहीं लिया था शायद उस पॉडकास्ट में, और वो शायद अब नहीं भी हैं, जिंदा नहीं है, ही इज नॉट लाइव नाउ, बट उस समय उन्होंने रोंडा बर्न को कहा था कि अगर कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में भी बंद कर दिया जाए और ताला लगा दिया जाए और उसके बाद में अगर उसको कुछ चीज चाहिए है और अगर वो सोचे कि वो उसके पास है, इफ ही थिंक ही हैव इट, तो वो चीज उसके पास आ जाएगी। कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये कोई नहीं है, पर ये दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस चीज को उसके पास आने से रोक सके। अगर उसको ऐसा महसूस कर लिया, ऐसा फील कर लिया, या उसको ये भरोसा है, उसके अंदर ये फीलिंग है कि आई हैव इट, वो ऐसा सोचता है, महसूस करता है कि उसके पास ये है, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसके पास वो चीज आने से रोक सके। तो आप सोचिए कि कई बार तो एक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हालांकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि इंस्पायर्ड एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करते ना, हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि जो हाव है ना या क्या, वो इतना हावी हो चुका है। इतने साल की मेरी, मैं 43 ईयर की हो गई हूँ, इतने साल के एक्सपीरियंस में जो मेरा एक बिलीफ बन चुका है कि नहीं, काम करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है, अब जाके धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है कि नई चीजें अपने आप भी होती हैं। सरेंडर करना भी मैंने अब सीख लिया है कि कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ो हर चीज को, थक जाते हैं जब करते करते, तो रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो कि मेरे दम पे ही सब कुछ थोड़ी चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं अपना अपना रोल, और मुझे, मैं ईश्वर का जब सबसे चहेता बच्चा हूँ,
तो मुझे रिलैक्स होने का पूरा अधिकार है, मुझे खुश होने का पूरा अधिकार है, मुझे इंजॉय करने का पूरा अधिकार है, मैं डिजर्व करता हूँ अबंडेंस। जब मेरी आत्मा अबंडेंस है, क्या आत्मा कभी गरीब होती है? नहीं होती है। तो वो जब मेरे अंदर है तो मैं वैसा क्यों नहीं महसूस कर पाता हूँ? और मैं फिजिकल वर्ल्ड की रियालिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, उसको महसूस करता हूँ। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, अपने लिए समय देने लगते हैं और सब कुछ छोड़ दो, लीव इट, किसी भी चीज को पाने के लिए आपने कोई टेक्निक कर ली, इंटेंसली कर ली, मतलब बहुत डीपली इमोशंस के साथ कर ली कि हाँ इतना ये घर है, ये गाड़ी है, ये पैसा है, फिजिकल चीजें, इवन इमोशनल चीजें भी, कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे अच्छे हैं, हाँ जो चाहो, मेरे पास अच्छी रिलेशनशिप है, मेरा जॉब लग गया है, या मेरे मार्क्स अच्छे आ गए हैं, वो उस चीज़ को महसूस कर लो अच्छे से, किसी टेक्निक के थ्रू कर लो या ऐसे भी महसूस कर लो, और उसके बाद उसको 10 मिनट तक महसूस करो, फिर छोड़ दो, लीव इट, और फिजिकल वर्ल्ड में जो काम है आप उसमें लग जाओ, मन लगा के उसको छोड़ दो, क्योंकि अब मैंने टेक्निक कर ली तो वो मेरे पास है। बस इतना ही आपको महसूस करना है और वैसे ही एक्शन भी लेना है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपने सोचा मेरे पास इतने पैसे हैं तो अब एक्शन कैसे लूं, ये भी मुझे खरीदना है, वो भी खरीदना है, तो ये पैसे कहाँ से दूं, फिर नहीं दिख रहा। तो ऐसे कंट्रोवर्सी टाइप के एक्शन आपको नहीं लेने, ये आपके नेगेटिव बिलीफ को या उस टेक्निक को तुरंत ही क्रॉस कर देगा, क्योंकि मैंने बोला हर चीज में प्रोसेस में टाइम लगता है, कई बार इंस्टेंटली भी हो जाते हैं। हमको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, हजारों तरह के रास्ते हैं ईश्वर ने अगर हमारे अच्छे के लिए बना रखे हैं, हम नेगेटिविटी की वजह से या हम कैसे होगा इसकी वजह से हम वो चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे ही एक्ट एज इफ मेंटली करो, जैसे अब्राहम हिक्स की भी एक टेक्निक है कि आप $100 अपने पर्स में रखो और फिर उसको दिन भर स्पेंड करो। कैसे? ऐसे नहीं कि सच में स्पेंड कर दिया, आप कोई भी चीज़ आपको लेना देखना अच्छी लग रही है, आप सोचो अरे मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये ले सकता हूँ, फिर कुछ अच्छा लगा, अरे वाह मेरे पास इतना पैसा है, मैं तो ये भी ले सकता हूँ, मैं तो ये भी ले सकता हूँ, इस तरीके से आप 100 बार उसको स्पेंड करो, और रियल में तो वो आपके पास है ही, मेंटली आपको स्पेंड करना है, तब जाके धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हो। क्योंकि ये प्रैक्टिस करना भी मूर्ख लोगों के लिए वो भी सही नहीं, क्योंकि मूर्ख लोग तो कई बार इस तरह से लिख देते हैं, मेरे पास तो, मैं तो रोज देखता हूँ 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं मेरे पास डेली। तो आपने कभी एक बार सोचा है कि क्या आप 10 करोड़ की वर्थ रखते हो? खुद से पूछो एक बार ये क्वेश्चन कि सच में मैं 10 करोड़ को हासिल करने योग्य हूँ भी या नहीं, उसको ढंग से आप यूज भी नहीं कर सकते हो। तो ईश्वर उनको ही देता है जो उसको यूज करना जानते हैं, जो उसके लिए सीरियस रहते हैं। हर चीज को पॉजिटिवली देखो, धीरे धीरे ग्रो करो, धीरे धीरे बढ़ो, एकदम से ग्रो नहीं करना है आपको कि आपका लिमिटिंग बिलीव्स बोल रहा है 50,000 से 1,00,000 और आप 10 करोड़ की बात कर रहे हो। कर सकते हो अगर आप में उतना कॉन्फिडेंस है, उतना बिलीव है, उतना भरोसा करते हो, तो वो भी हो सकता है। क्योंकि रोंडा बर्न की ये देखो 34 मिलियन कॉपी बिकना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। सीक्रेट को देखिए आप, अब लोग उसके पीछे भागने लगे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, कैसे भी करके ये अपने दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम करो। अभी देखो वो पोनो पोनो प्रेयर की कितनी डिमांड हो गई है, NLP की देखो कितनी डिमांड हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब तो वो चीजें तो काम करती ही करती हैं। बस इस वीडियो में मैं आपको मेरा लास्ट बताने का सार यही है कि आप विश्वास कीजिए कि आपके पास वो चीज है, और अंदर से विश्वास कीजिए कि मैं वर्थ रखता हूँ और मेरे पास है वो चीज। तो देखो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके पास वो चीज आने से रोके। और अगर आपको फिर भी इसको और सुनना है जो ऑथर है उनके थ्रू, तो आप इस पॉडकास्ट पे जाइए और उसको सुन सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू, और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक देखा।